नमस्कार बागवान साथियों, बागवानी की बात YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेब के पौधों में बोरोमिक्चर की स्प्रे के बारे में। बागवान साथियों, बोरोमिक्चर से पौधे को फफूंद जनित रोगों से बचाया जा सकता है। बोरोमिक्चर में लगभग हर प्रकार की फंगस को खत्म करने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए बागवान भाइयों के लिए बोरोमिक्चर बहुत ही लाभदायक होता है। यह मिश्रण इंसेक्ट्स को तो नहीं मारता है, लेकिन जहां पर बोरोमिक्चर का छिड़काव पौधे पर किया जाता है, इंसेक्ट ऐसी जगह से खुद ही दूर चले जाते हैं। बोरोमिक्चर कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा और चूने के मिश्रण से बनाया जाता है। बोरोमिक्चर का छिड़काव पौधे की डोरमेंट अवस्था में किया जा सकता है, यानी इसका छिड़काव पौधे की बड ब्रेकिंग स्टेज से पहले तक की अवस्था तक किया जा सकता है। आमतौर पर बागवान भाई इसका इस्तेमाल प्रूनिंग प्रक्रिया खत्म करने के बाद ही अपने बगीचों में करते हैं। प्रूनिंग के बाद इसका छिड़काव इसलिए किया जाता है ताकि जहां पर पौधे में कट्स लगे होते हैं, वहां से किसी भी प्रकार का फंगस पौधे में प्रवेश ना कर पाए। इस तरह यह पौधे पर प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करता है। इस तरह से यह एक पावरफुल फंगीसाइड का काम हमारे बगीचों में करता है। जिन पौधों में पेपरी वार्क आया होता है, वहां पर बोरोमिक्चर का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि पेपरी वार्क पौधे में ज्यादा बढ़ जाता है तो यह आगे चलकर कैंकर बन जाता है, जो बागवान साथियों के लिए बहुत ही घातक बीमारी पैदा हो जाती है। बागवान साथियों, जो बागवान साथी अपने बगीचे में कास्टिक सोडा की स्प्रे करना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणवश समय पर नहीं कर पाए हैं, वह भी इस समय विकल्प के तौर पर बोरोमिक्चर का छिड़काव अपने बगीचे में कर सकते हैं। यह भी लगभग उसी तरह का कार्य हमारे पौधों के लिए करता है, इसलिए विकल्प के तौर पर आप आजकल इसका छिड़काव कर सकते हैं। बात कर लें इसके डोजेज की, तो बागवान साथियों, 200 लीटर पानी में 2 किलो चूना और 2 किलो नीला थोथा का घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। सबसे पहले 2 किलोग्राम चूना और 2 किलोग्राम नीला थोथा लें और इन्हें अलग अलग बर्तन में घोल लें। जो इससे मिश्रण तैयार होता है बागवान साथियों, उसे एक बर्तन में मिला लें और उसे घोल दें। उसके बाद जो मिश्रण तैयार होता है बागवान साथियों, उसे 200 लीटर पानी में मिला लें और उसके बाद यह छिड़काव के लिए तैयार है। बागवान साथियों, बोरोमिक्चर पौधे से लगभग हर प्रकार की फंगस से सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए हर बागवान साथियों के बगीचे के लिए यह बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। बागवान साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बागवानी से संबंधित वीडियोज़ लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो बागवान साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय बागवान।